ये सैंपल कलेक्शन कैंप लगाया और इसके अंदर करीब 49 पेशेंट्स का पर्सन हमने लिए हैं टारगेट। मेनली हमारा जो एम रहा है इसका सैंपल कलेक्शन कैंप का, उसके अंदर हमने प्रेग्नेंट लेडीज़ और जो माइग्रेंट जो बाहर से आए हैं और जो कॉन्टैक्ट वाले केसेस हैं उनका सैंपल लिया है। कितने सैंपल हो गए सर? अंदाजन अभी पूरा तो हुआ नहीं है कैंप, और नियर अबाउट 49 पर्संस हैं जिनका सैंपल लिया गया है और 12 प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और अदर्स के अंदर माइग्रेंट्स हैं। रामगंज भगवानगंज डिस्पेंसरी में रैंडम सैंपलिंग कर रही है, इसमें गर्भवती महिला थी करीब 10-12 और इतने ही जो बाहर से आए हुए हमारे प्रवासी भाई हैं वो थे, उसके अलावा और भी कई लोग थे, तो कुल मिला के 40 के आसपास हमने सैंपल लिए। पहुँचेगी हम लोग डिस्पेंसरी में भेज देते हैं, जब भी जैसे ही हमारे पास आती है हम लोग डिस्पेंसरी के इंचार्ज को भेज देते हैं, वहाँ आके ये कलेक्ट करें। एक दो दिन का समय लगता है तो थोड़ा धैर्य भी बना के रखें, जैसी आएगी ये लोग आपको दे देंगे। अब चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे मैम आम पब्लिक को? ये देना चाहूँगी कि जैसे ही अब लॉकडाउन खुला है तो हमारे लिए खतरा बढ़ा है संक्रमण का, तो सावधानियाँ ज़रूर बरतें, मास्क, सैनिटाइजेशन, उचित दूरी बनाए रखना, ये सब चीज़ें जो है इनका पूरा ध्यान रखें, नहीं तो संक्रमण ज़्यादा फैलेगा। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर ज्योत्सना रंगा, सीएमएच ऑफिस। सर